नहीं, हमारे आपस में गिलेशिक में तो होते रहते हैं, बाकी कोई ऐसी बात, लेकिन बहरहाल आज की मीटिंग हमने अपने मामला डिस्कस किए और पार्टी की जो पार्लियामानी पार्टी में जो स्ट्रेटजी हमने आज की इजलास के लिए, हमें अंदेशा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिफीट करने के लिए इलेक्शन एक्ट में ये तरमीम ला रहे हैं, जिसके रूह से जो एमएनएस पहले एफिडेविट दे चुके हैं उन पे ये कदगन लगा रहे हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये पीटीआई के जो लोग आज़ाद डिक्लेयर हुए हैं इलेक्शन कमीशन में, वो अपने अल्फनामे जमा करें, इस प्रोसेस को ये डिफीट करने के लिए ये अमेंडमेंट ला रहे हैं। लेकिन इसमें दो कबाहतें हैं, एक तो ये है कि को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पूरे लीगल जो रिजीम है, जो जितने कवानीन हैं बशमूल आईनी जो आर्टिकल्स हैं, उन सब का जायजा लेने के बाद ये फैसला दिया, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इलम था। और दूसरी बात यह है कि जिस लॉ पे इंटरप्रटेशन पहले से सुप्रीम कोर्ट की हो चुकी हो, उस लॉ के मनाफी सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिफीट करना जो है वो सरासर गैर कानूनी है। और तीसरी बात यह है कि ऑलरेडी हमने तो इलेक्शन कमीशन में इस कानून के लाने से पहले बयान अल्फी जमा किए हुए हैं, तो लिहाजा ये लॉ जो है रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकती है कि आप इसको माजी से जो है इफेक्ट दे दें, प्रोस्पेक्टिव आप कर सकते हैं। तो ये अगर कोई लाते हैं तो हम एहतजाज करेंगे। एहतजाज किस किस्म का होगा क्या? जिस किस्म का इनका फेल होगा वैसे ही हमारा एहतजाज होगा, देखते हैं। भूगड़ताल में कुलीग ने मुझे कहा है तो कोई ये तकबर होगी कि मैं भूगड़ताल, मेरा इरादा नहीं था बैठने का, क्योंकि मैं मेरी दलील ये थी कि मैं चूँकि मेंबरशिप सस्पेंड है तो लिहाजा एक्टिविटीज में मैं हिस्सा नहीं लेना चाहता। आज दावत दी आपको मुझे की जरूरत है या पीटीआई को आपकी जरूरत है, ये आप खुद फैसला करें। जलसे में आपका क्या रोल होगा, क्योंकि 5 अगस्त को जलसे का ऐलान हो गया है? हाँ, 5 अगस्त को जलसे का ऐलान है। 5 मेरा ख्याल है कि अभी इतनी करम फरमाइयाँ नहीं है कि मुझे जलसों में इनवाइट करें। हाँ, अगर इनवाइट करते हैं तो लाजमन खान के लिए तो हम हर जगह जा सकते हैं। आज तो अंदर का माहौल थोड़ा बदला ही नजर आया, सुना है कुछ जपियां डाल के इस्तकबाल किया गया, कोई ऐसे टिकर चल रहे टीवी चैनल्स के ऊपर, कोई आपको ना आप... मैं मेरे साथ बहुत प्यार से सब पेश आए, तो हो सकता है आपकी मेंबरशिप जो है सस्पेंड की गई, वो फैसला वापस बहाल हो जाए, आप उम्मीद नहीं? मैं तो मतलब ये कि 3 महीने से बड़े आराम में हूँ, जब से मेंबरशिप सस्पेंड हुई है न कोई चापा है, न कोई एजेंसियाँ पीछे पड़ी है, न कोई पर्चा हुआ है, मैं लंदन घूम आया, थोड़ी सी ये और तवालत दे दी इसको, मैं इधर कुछ और घूमना चाहता हूँ। आपने कहा कि अब मैं तब आऊँगा जब मैं खुद चाहूँगा वापस, तो वो अभी तक फैसले पे बरकरार है जी? ये मेरा देखिए, मैंने कोई एक रति बराबर गलती नहीं की थी, ये तमाम जो इकदाम मेरे खिलाफ हुए थे ये बिल्कुल नामुनासिब थे, और कोई गलत फहमी नहीं थी, कोई गलत फहमी नहीं थी, बस तख्ते मश्क बना दिया। नहीं, लेकिन एक दो आपके जो बयानात हैं जिससे मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात भी खराब होने का अंदेशा था, माशाल्लाह वो बयान उस पे लिखा हुआ ना, वो जो ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा था वो ममालिक से ताल्लुकात खराब होने का अंदेशा था। जमातों का आपकी पार्टी तक मुजामत पहुंची थी, तो इस हवाले से अभी तक वो बयान है या कि आप वापस लेंगे, क्योंकि बहुत सारी और चीजें भी थी जिसमें आपको जो चीज मुंह से निकल जाती है ना वो क्या वापस लेगा? पार्लियामानी पार्टी का फ्लोर आपके पास था, फोरम था, आपने पार्लियामानी पार्टी के अंदर इन बात का इजहार किया कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है? बिल्कुल बोला हूँ, आज A to Z बोला हूँ, और मैंने आज इजलास में कहा कि मैंने कहा कि सस्पेंस में ना डाले रखो, मैंने कहा कि मैं अगर गलती पे होता तो मुझे कोई इसमें कबाहत ना होती कि मैं माजरत करूं या माफिया मांगू, कोई गलती मैंने नहीं की है।